व वरम् हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब के साथ तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस और सेकुलरिज्म के महात्मा के चंद्रशेखर राव की रियासत में मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा और रियासत दक्कन के बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत मौना हमीदुद्दीन आक़िल हुसामी के जानशीन हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब के साथ जो बसलूकी की गई है उसकी इतला मिलने के बाद बड़ा दुख हुआ है कि तेलंगाना पुलिस अब अपने पर खोल रही है वो दीगर रियासतों को अपने लिए एक आइडियल समझ रही है वो यूपी और बिहार की पुलिस की तरह अपना भी नाम फ़िरका परस्त की फहरिस्त में सर फहरिस्त लाने की कोशिश कर रही है बड़ी हैरत होती है उस वक्त जब अंजनी कुमार साहब बड़ी प्यारी मीठी सुलझी हुई बातें करते हुए पुलिस की तारीफ करते हैं कि तेलंगाना की पुलिस खलीक है बेहतरीन अखलाक के हामिल तेलंगाना की आवाम की खिदमत गुजार है लेकिन जमीन पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है जाफर साहब के साथ कल जो हुआ है ये तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े रहनुमा के साथ इसको कसदन किया गया है ताकि मुसलमानों को ये पैगाम दिया जा सके कि हम तुम्हारे रहनुमाओं के साथ ये करते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हुकूमत खामोश रहेगी लीडरान खामोश रहेंगे मुस्लिम वजीर दाखिला खामोश रहेंगे टी आर एस में मुस्लिम नुमाइंदे जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो खामोश रहेंगे और वो तनज़ीमें जो मुसलमानों की रहनमा तनजीमें हैं वो भी खामोश रहेंगी और इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम मुसलमानों के साथ मनमानी करेंगे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कल जो वाकया जाफर पाशा साहब के साथ हुआ है वो सिर्फ जाफर पाशा साहब के साथ महदूद रहने वाला नहीं है ये लिख कर रख लीजिए ये नविश् दीवार इसे पढ़ने की जरूरत है जमात इस्लामी को पढ़ने की जरूरत है तामीर मिल्लत को पढ़ने की जरूरत है और जमीयतल को पढ़ने की जरूरत है और जितनी मिली तनजीमें हैं उन सब को यह नविश दीवार पढ़ने की जरूरत है हुकूमत का पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए तो सर फहरिस्त होते हैं भीड़ लगी हुई भी होती है कि हुकूमत ने नमाज पर ईद की नमाज पर पाबंदी लगा दी हर कोई आलिम दिन इंसाफ में आ रहा है और मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में नमाज पढ़ने का पैगाम दे रहा था अब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो मिली तंजीमें खामोश बैठी हुई सांप सूंघ गया है जज्बात पूरे सर्द हो गए हैं और यह समझ रहे हैं कि मामला हमारा नहीं है दीगर रियासतों में भी इब्तदा ऐसे ही समझा गया था लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है लम्हों ने ख़ता की सदियों में सज़ा पाई के मजदाक तमाम तंजीमों की ताकतें और असर पूरा धरा का धरा रह गया है अगर रियासत तेलंगाना के सियासी कायदीन बिला इम्तियाज़ किसी भी पार्टी से हो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे उनकी ज़िम्मेदारी है ईमानी जिम्मेदारी है और बहसीयत मुसलमानों की नुमाइंदा होने की जिम्मेदारी है कि इस वाक्य का सख्त नोट लेते हुए आला अलादेदारों तक ये बात पहुंचाई जाए और बताया जाए कि इस वाक्य को पूरे मुसलमानों ने बड़े तकलीफ से और बड़े दर्द से इस वाक़े को झेला है हुकूमत के ऐवानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि मुसलमान इस वाक्य को हल्के में लेने वाले नहीं है मस्जिद का हर खतीब इस वाकये पर आने वाली जुमा में अपने दर्द का इजहार करेगा और हुकूमत से मुतालबा करेगा कि तुम अपने सेकुलरिज्म में सच्चे हो तो सामने आकर उस पुलिस खाती फिरका परस्त को सजा दो और ऐलान करो कि हम ऐसे फिरका परस्त पर ओहदेदारों को बर्दाश्त नहीं करते रियासत तेलंगाना के अंदर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ के सी आर साहब को हमारे होम मिनिस्टर साहब महात्मा कहते हैं सेकुलरिज्म का अलमबरदार कहते हैं तो वजीर दाखिला से मेरी ये गुजारिश है कि आपके महात्मा यहाँ पर क्यों खामोश बैठे हुए दक्कन की मशहूर और मारूफ शख्सियत के फर्जंद अर्जुमन जो न सिर्फ हिंदुस्तान में मुतारफ हैं बल्कि बैरून मुल्क में भी आपकी शनाखते उनके साथ न रवा सलूक इख्तियार और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस के साथ उन्होंने बदसलूकी की है एक मजहबी और इतने बड़े आदमी और इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक पुलिस के साथ कैसे बदसलूकी कर सकते हैं ये सवाल तो नहीं किया जा रहा है पुलिस के लगाए गए इल्ज़ाम को कबूल किया जा रहा था पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी भी तरीक़े की बात कह सकती है वाक़े की जांच हो और खाती जो ओहदेदार है जिसके दिल में और दिमाग में फिर का परस्ती का जहर पनप रहा है तो उस जहर को बाहर निकालना ज़रूरी है वरना दीगर रियासतों में अमन की जो हालत नजर आ रही है वो हालत यहाँ भी पेश आ सकती है वही सूरत हाल यहाँ भी पैदा हो सकती है मैं अपील करता हूं मुस्लिम तनजीमों से मिली तंजीमों से कि आप खामोश हाथ पर हाथ रखकर न बैठें पुलिस के आला आलादेदारों तक ये बात पहुंचाई जाए वरना फिर आज जाफर पाशा साहब के साथ ये पेश आया कल जब किसी और के साथ जब पेश आएगा तो उस वक्त आवाज़ दोगे तो तुम्हारी आवाज़ सदाबा सहरा बन जाए